नमस्कार गाइस, मेरा नाम है आकाश झा और गाइस अभी अपन आए हुए हैं दोस्तों जिला धार के गंगा महादेव में। दोस्तों आज अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों पूरा गंगा महादेव। आइए गंगा महादेव। गाइस यहाँ की मान्यता ऐसी है कि दोस्तों अब जब पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था दोस्तों, जो पूरा राजपाट वनवास जो पांडव थे दोस्तों हार चुके थे जुए में, तब दोस्तों उनको वनवास हो गया था। तब वनवास होने के बाद में दोस्तों पांचों पांडव यहाँ पे आए थे गंगा महादेव में। और दोस्तों कहा जाता है, कथा ऐसी है कि यहाँ पर आकर पूज्य पांचों पांडवों ने दोस्तों शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ पर एक गंगा महादेव का कुंड भी है दोस्तों, उसकी गुफा है, उस गुफा में दोस्तों सबने विश्राम भी किया था। आइए एक्सप्लोर करते हैं। और दोस्तों नीचे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, मजा आ गया भाई। जल्दी बंद नहीं करना दोस्तों। नीचे जो कुंड दिख रहा है ना आपको, इसमें पानी जो है अभी तो कम है, लेकिन गाइस बरसात के टाइम पर ये जो पूरा नज़ारा है ना गंगा महादेव का दोस्तों, पूरा बरसात के टाइम इतना खूबसूरत लगता है दोस्तों। जितने भी इंदौर के पर्यटक हैं दोस्तों, सबका मन मोहता है। अभी तो दोस्तों पानी कम है और अभी हम लोग गर्मी में आए, तो दोस्तों गर्मी में भी आए तो दोस्तों, लेकिन जो गुफा देखो, गुफा कितनी खूबसूरत है। इसी गुफा के अंदर दोस्तों पांचों पांडव रहे थे 12 साल के वनवास में। कैसे नज़ारा देखो, ये गुफा है ना, ये गुफा, इसी गुफा में गाइस पांडव रहे थे। देखो सामने, ये गाइस सामने है गंगा महादेव का मंदिर और जस्ट पास में दोस्तों एक गंगा महादेव का कुंड। दोस्तों बरसात में काफी अच्छा लगता है और आइड साइड में पूरी की पूरी जंगल है गाइस। देखिए गाइस पूरा का पूरा गुफा जा सकते हैं गाइस। ये सामने का व्यू देखो आप, ये जो कुंड देख रहे हैं ना गाइस, बरसात में पूरा का पूरा भरा रहता है और दोस्तों बरसात में काफी अच्छा लगता है यहाँ पे। और गाइस सामने है हमारे गंगा महादेव और दोस्तों आइड साइड में है पूरा का गाइस जंगल। और उसके बाद में देखिए ये है, ये असली मजे ले रही है। ये जो गुफा है ना गाइस, इसी गुफा में पांडव रहते थे। गाइस दर्शन करिए गंगा महादेव जी के। अच्छा गाइस माना जाता है कि दोस्तों पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की थी तो दोस्तों जो गंगा महादेव है वहाँ पर स्थित है। दोस्तों एक शिवलिंग आ गई है, उसी की थी, ये नहीं है दोबारा बनाई। गाइस प्राचीन काल में इतिहास है कि दोस्तों पांडवों ने जो वनवास में आए थे तब दोस्तों इस शिवलिंग की पांडवों ने स्थापना की थी, जो काफी वर्ष पुरानी दोस्तों शिवलिंग है। दर्शन कीजिए गंगा महादेव जी के। तो चलिए भाई साहब, कर लिए हैं अपन ने गंगा महादेव जी के दर्शन। और गाइस कथा कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आकर माँ गंगा का और दोस्तों महादेव जी का जो रूप है दोस्तों, वो दोनों ही देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों फिलहाल में अपन ने पूरा गंगा महादेव एक्सप्लोर कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पे तो बरसात में ही अच्छा लगता है दोस्तों। आज संडे भी है तो आप लोगों को पता ही है, संडे के दिन तो अपना ब्लॉग का दिन होता ही है। और दोस्तों कहीं ना कहीं अपन जाते हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। दोस्तों आज आए अपन गंगा महादेव, पिछले संडे को गए थे अपन छोटा अमरनाथ, नहीं पिछले संडे को शायद अपन लोग ओमकारेश्वर गए थे, उसके पहले वाले संडे को गए थे छोटा अमरनाथ। तो गाइस अगर आप लोगों को यहाँ का नज़ारा देखना है दोस्तों, बरसात में आए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और दोस्तों फिलहाल मैं इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे। और दोस्तों आप लोग वीडियो देखते जरूर हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। और धूप देख रहे हो आप कितनी पड़ रही है, देखो ये फिर भी आपके लिए सामने देखो सूर्य दादा।
और फिर भी इतनी तपती धूप में दोस्तों आप लोगों के लिए आते हैं, थोड़ा सा तो रहम खाओ हमारे ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। जय श्री राधे।